सोलन में आज प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर राजेश कश्यप ने गांव तोप की बेड़ में ग्राम पंचायत शील तोप की बेड़ और आसपास के गांव के लिए बनाई जा रही उठाऊ पेयजल योजना की शिलान्यास पट्टिका की विधिवत रूप से स्थापना की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से इस योजना का शिमला से शिलान्यास किया था। करीब 2,15,00,000 की लागत से ये योजना बनाई जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को आ रही पानी की समस्या से निजात मिलेगी। आज एक कार्यक्रम में इस योजना की शिलान्यास पट्टिका की विधिवत रूप से स्थापना की गई। वहीं जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने भी इस योजना के कार्य को जल्द पूरा करके लोगों को समर्पित करने की बात कही। शील चौरा मनलोग और बोच गांव के लिए और चाकड़ी गांव के लिए स्कीम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसका शिलान्यास कर दिया था सितंबर के महीने में, उसकी जो पट्टिका है, उस आधारशिला की पट्टिका है, उसका आज हमने यहाँ पे विधिवत रूप से जो है स्थापना की है कोच गांव में। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो 2,15,00,000 से बनी स्कीम है, ये यहाँ के लोगों की जो पानी की समस्या है उसको जल्द ख़त्म करेगी। और हमारे जो IPH विभाग के जितने भी हमारे ऑफिसर हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, उन्होंने विश्वास दिलाया है कि जल्द ही ये स्कीम जो है वो चालू हो जाएगी और हमारे जो गांव की समस्या है, इन 5 गांव की, वो जो है पूरी हो जाएगी।